हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है खट्टी मीठी तीखी नमकीन। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं ये किस तरह से बनाई जाती है और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमने एक बाउल मुरमुरे लिए हैं, एक बाउल हमने मकई चिवड़ा लिया है और एक बाउल ही हमने बूंदी लिया है। ये मेरी पहले की बनी हुई है। और ये मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं और ये नीम की पत्ती ली है, मीठे नीम की पत्ती। मसालों में हमने अमचूर पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और ये बूरा यानी चीनी पिसी हुई ली है। अब हमने गैस ऑन कर दिया है, पैन हमने रख दिया है। अब इसमें हम मुरमुरे सेकेंगे। जितने की इसमें नमी है, अब हम मुरमुरे इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि इसमें हल्की सी नमी भी रहती है और बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए इसको सेकना ही पड़ता है। अब हमारे मुरमुरे सिक गए हैं, इस तरह से हाथ में लेके, और ये देखिए ये बिल्कुल इसका चूड़ा हो जाएगा। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। इसको गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब ये मकई चिवड़े हैं वो हम डाल देंगे। ये बाजार में आराम से मिल जाते हैं कोई भी शॉप में। अब हमारे ये तल चुके हैं और अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब हमारी जो सेंग दाने हैं वो भी हम डाल देंगे, यानी मूंगफली के दाने हैं वो भी हम तल लेंगे। गैस को हम सिम पर ही रखेंगे क्योंकि यदि तेज रखेंगे तो ये जल जाएंगे, तो इसीलिए हम सिम पर ही रखेंगे। देखिए हमारे मूंगफली के दाने भी सिक चुके हैं। इसको ज्यादा नहीं सेके, यदि ज्यादा सेकेंगे तो फिर वो लाल हो जाएंगे। बस इतना ही हमको सेकना है और हम अब इसको भी निकाल लेंगे। देखिए अब हमने ये सब निकाल लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। हल्की सी मिर्ची डाल। अब हमने ऊपर से जितना ज्यादा तेल था वो हमने निकाल लिया है और हमने 2 चम्मच के करीब तेल रखा है। अब इसमें हम मीठी नीम के पत्ते डाल दिए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे। और इसमें जो अमचूर पाउडर है वो भी डाल देंगे और ये सब मुरमुरे हैं और मूंगफली के दाने और मकई की चिवड़े वो सब हम इसमें डाल देंगे। और ये जो बूंदी बनी हुई वो भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा खट्टा मीठे के लिए हमने थोड़ा सा इसमें बूरा डाला है जिससे हमारा खट्टा मीठा बन जाए, क्योंकि हमने खट्टे के लिए अमचूर डाला है और मीठे के लिए हमने चीनी का पाउडर डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी खट्टी मीठी तीखी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप इसको जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए।